जब गाड़ी एक बार उठ रही है ना, उसके बाद पता चल रहा है भैया नीचे कितना कांड हुआ पड़ा है। ये क्या है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये इंजन ऑयल लीक हो रहा है। इंजन ऑयल लीक हो रहा है क्या? एक्सल बूट फटा हुआ है। ये इसी का ऐसा ही जब चलता है ना ये। अच्छा, तो ऊपर कचरा गिरिस पहुंच चुका है। चल तो जाएगी सर, रिस्क है ना, पर वो एक्सल आपका टूट सकता है सर। ये तो भारी समस्या हो गया। हाँ दीदी, मेरा रूम अच्छे से साफ कर दो। हाँ, मैंने इसको बहुत कचरा बना दिया है। आपने कर दिया है, तो उठता ही नहीं है जल्दी। अरे ये सब नहीं बोलना है ब्लॉग में। तो यार दीदी भी कह रही है कि आप तो उठता ही नहीं है जल्दी, तो अभी जल्दी जल्दी रेडी होना है क्योंकि अपने को निकलना है गाड़ी का काम करवाने, और उसके लिए अपन ऑलरेडी लेट है। ये तो नया स्वेटर पहनी है। ये स्वेटर पहनी है, न्यू पिंच करता। न्यू पिंच, न्यू पिंच काटना मत। हाँ ठीक है, पता चले ये भी दांत लगा के कह दे न्यू पिंच। सुबह सुबह मम्मी जूस निकाल दिए और अपन रेडी हो रहे हैं। ए न्यू पिंच, तेरे को फिर से न्यू पिंच। तू सबको देखती रहती है क्या कि घर पे क्या कौन क्या कर रहा है? हाँ हाँ, इसको अच्छा लग रहा है ना नया वाला स्वेटर। हाँ बताओ, डॉग के लिए भी स्वेटर बनने लगा। हाँ स्कूबी, किस्मत जबर है बेटा तुम्हारी। सुबह सुबह जूस एंड पपाया जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। इसमें से कुछ नहीं मिलेगा बेटा। स्कूप, तू पागल हो गया क्या? हाँ स्कूप। ओके माँ, आ रहा हूँ मैं। आए हाँ, अरे देखता हूँ, बताता हूँ माँ। हाँ ठीक है माँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वैसे तो सुबह सुबह मुझे टाइम से उठना था क्योंकि कल रात में मैं थोड़ा काम कर रहा था, और काम करते करते मुझे कितना लेट हुआ ना, मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ जब मैं सोने गया, और उस समय बजे थे सुबह के 3:30। तो फिलहाल बज रहे हैं 11:30 और अपन करा रहे हैं आज गाड़ी का काम, बिकॉज भाई अपन निकल रहे हैं अपने ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे 4 दिन के अंदर। तो 4 दिन के अंदर ना मेरे को बहुत सारा काम है जो कराना है। एक तो कि आप अगर उत्तराखंड सीरीज फॉलो किया होगा तो इस गाड़ी के प्रॉपर ब्रेक्स नहीं लग रहे थे, तो वो एक बार चेक कराना है। प्लस गाड़ी के ना एक्चुअली उत्तराखंड में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे मतलब खड्डा गुड्डा था ना कि हल्का सा आवाज़ आ रहा है पीछे से, तो वो चेक कराना है। प्लस बाकी जो नॉर्मल चेकअप होता है जो मैं हमेशा कराता हूँ वो कराऊँगा, और उसके बाद पता नहीं क्या करना है। एक चीज़ आज सही है कि आज मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो यार एक्चुअली 2-3 दिन से ना कंटिन्यूस ना बारिश और ना क्लाउडी मौसम था, बड़ा दुखदाई टाइप का था यार। गुड़गांव के बस ड्राइवर्स भी ना भाई फुल गुंडे भाई, ये बस एकदम साइड में लाया, एकदम सामने जाके लगा दिया, फिर पता चला वो बस स्टॉप था। मैंने कहा भाई ओवरटेक क्यों किया, फिर थोड़ा पीछे करके ही रुक जाते, मैं तो अच्छा खासा स्पीड में चला। लेकिन नहीं, भैया ने इंडिकेटर अभी तक दिया है, भैया ने कहा कि भैया इंडिकेटर जलता है, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो, इंडिकेटर फुल टाइम जलेगा। ट्रैक्टर का भी फुल भोकाल है गुड़गांव में। ये देखो, ये दिख रहा है सामने रियर व्यू मिरर कहाँ लगा है? टायर्स पे, मतलब एक्स्ट्रा था घर में, यूज करना है, कर लिया। अब मैं हर बार 5 दिन से ऊपर का कोई भी ट्रिप होता है ना, तो उसके पहले ना गाड़ी का एक नॉर्मल चेकअप तो करवाता ही हूँ, बिकॉज यार गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गाड़ी धोखा नहीं देनी चाहिए। बाकी सारी चीजें तो मैनेज कर लेते हो आप, अगर आपके साथ गाड़ी है ना तो फिर आपको कुछ भी नहीं हो सकता। अगर गाड़ी सही सलामत चल रही है, रोड पे है, मतलब मूविंग कंडीशन में है, बट गाड़ी जहां रुकी ना भाई, आपके जिंदगी के वहीं पकौड़े लग गए। अब गो मैकेनिक के इस वर्कशॉप पे मैं पहले भी आया हूँ, बिकॉज यहाँ से मैंने ना बेलेनो एक बार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उसको ना टो करके यहाँ पे लेके आए थे। अभी पहले गाड़ी बाहर लगाते हैं, तो अभी अपनी गाड़ी इधर लग जाएगी लिफ्ट पे, और एक बार ना अंडर बॉडी भी चेक कराना ज़रूरी है क्योंकि अंडर बॉडी भी काफ़ी टाइम से चेक नहीं हुआ है। कंप्लीट कार के डायग्नोज करेंगे, प्रॉपरली फ्लूइड्स, ब्रेक्स, सस्पेंशन ये कंप्लीट एक बार चेकआउट करेंगे। अभी जा रही है पहाड़ों पे, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। तो अभी कंप्लीट इंस्पेक्शन अपना होगा, मतलब बेसिकली जो भी ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, इंजन ऑयल, सस्पेंशन और बाकी सारी चीज़ें हैं ना,
वो सारी चीजें अभी इसका चेक करेंगे। कूलेंट ब्रेक ऑयल ना मेरे को एक्स्ट्रा भी दे देना, ठीक है? मैं अपने साथ ना एक एक डब्बा लेके जाऊंगा। इसका ना ब्रेक भैया ना बीच में, अभी मैं पहाड़ों पे गया था ना तो पता नहीं गर्म होने से या क्या, बट बीच में ना ब्रेक लगना बंद हो गया था, तो वो मेरे को एक बार सबसे ज्यादा जो चेकआउट करने के बाद बबल्स आ जाते हैं, उस लिटेड भी ब्रेक्स अफेक्टिंग कम हो जाती है, एक बार प्रॉपरली चेकआउट कर लेंगे। कूलेंट भी कम था, कम था तो इसमें एक्चुअली कूलेंट भी काफी काफी ज्यादा कम था, तो कूलेंट हाँ इससे भी डाउन था। स्टीयरिंग ऑयल पूरा था? अच्छा, तो स्टीयरिंग ऑयल पूरा है, इंजन ऑयल भी ठीक है आपका, पूरा इंजन ऑयल ठीक है। अभी सर्विसिंग ना इसका 4000 किलोमीटर पे फिर सर्विसिंग अभी ड्यू है ना, हाँ तो अभी जल्दी हो जाएगा, अभी एक महीने के अंदर हो जाएगा। ये क्या? कार्बन के लिए सर ये। अच्छा, ये कार्बन के लिए, इसमें कार्बन नहीं जमे इसलिए। अब क्योंकि मेरे टायर्स ऑलरेडी नए हैं तो मेरे को टायर वायर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रॉपर ग्रूव्स हैं अभी और ये चलेंगे। अभी तो मैंने इसको लद्दाख से आने के बाद ही कराया था, प्लस लद्दाख जाते वक्त ये वाले टायर्स चेंज कराए थे, जिसको आगे लगवाया था मैंने उसको पीछे लगवा दिया था, तो ये भी एकदम परफेक्ट है। अब एक्सयूवी में एक चीज़ है कि यार जैसे ही आप ना बोनट का ये उठाते हो ना तो ऑटोमेटिकली पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें ना, मतलब आपको कहीं पे हाईवे पे फंसे और बोनट आपने खोला तो ऑटोमेटिकली पार्किंग लाइट ऑन होने से पीछे वाले को पता चल जाता है। सारा फ्लूइड टॉपअप तो हो गया है, अब वो जो ब्रेक वाला इशू है ना वो एक बार चेक करवा लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें बबल वबल तो बबल के वैसे तो शायद मुझे कम ही लग रहा है क्योंकि नॉर्मल में तो ब्रेक्स लग रहे थे, बट जब पहाड़ों पे थी ना तो गर्म होने के बाद ना मतलब बंद भी हो गए थे, पूरे बंद हो गए थे। कोई नहीं, एक बार प्रॉपर डायग्नोस करवा लेते हैं। ब्रेक पैड सही है? हाँ, ब्रेक पैड ठीक है। ये क्या है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये इंजन ऑयल लीक हो रहा है। इंजन ऑयल लीक हो रहा है हल्का? हाँ, और ये आपका ये लीक है क्या? एक्सल एक्सल बूट पड़ा हुआ है ये। एक मिनट, ये लीक है जी, कटिंग आवाज करेगा आपको। ये वाला टक 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 जो आवाज करता है, कटिंग आवाज करता है। हाँ हाँ, ये कटिंग में तो आवाज करता है। और ये जो कचड़ा लगा हुआ है ये इसी का है सर, ये जब चलता है ना ये। अच्छा, तो ऊपर कचड़ा ग्रीस पहुंच चुका है ये। ओ, अब ये चल कितना सकता है? तो ये चलना ही तो रिपेयरिंग टाइम का है। अभी देखो कि बूट फट चुका है तो इंक्रीज ही होगा। हाँ, ये तो इंक्रीज, ये तो मैंने, और इफेक्ट ज्यादा रह जाएगा इसलिए पहले ये पूरा ग्रीस। हाँ, ये पूरा ग्रीस है ना? जी जी, ग्रीस है। क्योंकि आपको वैसे भी लॉन्ग रूट पे जाना है। हाँ, लॉन्ग रूट पे जाना है। पैन पूरा ऑयल पैन, ऑयल पैन का है ये, आपका लीकेज है ये देखिए, पूरा डाउनवर्ड्स तक पूरा आ चुका है। ये तो भारी समस्या हो गया। हाँ भाई, मैं क्या स्टीयरिंग तो रहा हूँ। ओके, ये स्टीयरिंग ऑयल का ना यहाँ पाइप भी लीकेज है, तो ये देखो यहाँ पे ये स्टीयरिंग ऑयल जो है ना वो भी पूरा गंदा हो गया है। स्टीयरिंग, अच्छा ये स्टीयरिंग के लिए ना, इस साइड का भी है क्या? ये यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा स्टीयरिंग है। अच्छा, बट लेकिन एक साइड का, इस साइड नहीं है ना? इस साइड में लीक हो रखा है। जैसे सील होती है ना, दो सील होती है, एक साइड होती है एक साइड होती है, ये वाली सील कट चुकी है। ओह, डैमेज हो चुकी है काफी ज्यादा। जब गाड़ी एक बार उठ रही है ना उसके बाद पता चल रहा है भैया नीचे कितना कांड हुआ पड़ा है। ये वाला सारा ग्रीस है, तो हो सकता है कि ग्रीस भी इसमें लग रहा हो, तो उस वजह से मे बी। हाँ, ग्रीस लगने से भी तो ब्रेक नहीं लगेगा ना, छिपेगी नहीं गाड़ी ना। ओके, सो पीछे भी एक बार चेक कर लेते हैं यार, पता चला पीछे भी कुछ ऐसे, हिलाओ मत भैया, पता चला कि नीचे ही आगे मेरे ऊपर है। अच्छा, नहीं आएगी ना, फिर ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अभी देखते हैं कि भाई अब ये चल सकती है गाड़ी। चल तो जाएगी सर, रिस्क है ना, पर वो एक्सल आपका टूट सकता है सर। और इसको आते के साथ ही ये करवा लो, अभी तो चलेगी, मतलब थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा। बाकी यार जब गाड़ी उठती है ना लिफ्ट पे तब पता चलता है भैया बीमारी क्या है। जब तक आप ECU नहीं कराओ ना, और ECU क्या, ECU नहीं, क्या कराते हैं हॉस्पिटल में, क्या कराते हैं, डायग्नोस होती है सर ये तो। हाँ, ये तो यहाँ डायग्नोस हो रही है ना हॉस्पिटल में, जैसे आदमी का पता चलता है ना कि भैया तुमको तो शुगर है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो गाड़ी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अपन आए तो थे ब्रेक के लिए, पता चला इसमें भी कितना ज़्यादा कचरा आ गया ना। ये कचरा नॉर्मल रहता है या फिर आ ही जाता है? आ ही जाता है ना, तो ब्रेक अपन क्लीन करवा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कचरा और मिट्टी विट्टी अंदर बढ़ता है ना भैया। लाइनिंग से आ जाती है, डस्ट होती है, लाइनिंग से आ जाती है ना। ब्रेक लाइन दिख रही है आपको, ये
ये इसकी डस्ट की वजह से ही सारी। ये अब टायर वायर चढ़वा रहे हैं वापस से, के बाद ना एक बार गाड़ी वॉश होगी, अंदर से साफ होगी, तो अब थोड़ा सा टाइम, कितना टाइम लगेगा भैया उसमें? वन आवर लग जाएगा जी। अब यहाँ पे गाड़ी का ना थोड़ा सा इंटीरियर साफ वाफ करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत मिट्टी, देखो ऐसा पूरा मिट्टी मिट्टी है भाई, मिट्टी मिट्टी है। बाकी ये जल्दी से पूछ पूछ के फिर पॉलिश लगती है, फिर अपनी गाड़ी रेडी हो जाएगी। अब जी भैया से मैंने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि नीचे कोई पत्थर वत्थर या हल्का फुल्का कुछ अगर लगता है तो कभी कभी ऑयल लीक करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंजन ऑयल अपना पूरा था, उसमें टॉपअप करने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी। बाकी जो एक्सेल और बाकी जगह से जो फ्लूइड लीक का है वो एक बार दिखा लेंगे। बाकी अपनी गाड़ी अभी मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, आने के बाद वहाँ से ये सारा काम करा लेंगे एंड अपने पास पूरा तसल्ली रहेगा ना। अभी क्या है ना कि भाई अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा तो फिर अपना ट्रिप डिले होगा, और जो पहला डेस्टिनेशन है वहाँ का होटल मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है, तो अपने साथ एक्स्ट्रा ना फ्लूइड यहाँ से कैरी कर लेंगे, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट और बाकी जितने टाइप की चीज़ें हैं ना वो अभी उठा लेंगे, गाड़ी में रख लेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे, ताकि अगर पहाड़ों पे कहीं मुझे प्रॉब्लम होती है या फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ टॉपअप करना है तो वो मैं वहाँ पर करवा लूँगा। अंदर से चमक गई, साफ गाड़ी ना अच्छी लगती है यार, अच्छा लगा, थैंक यू, मी टू सर, बाय बाय। अब जी पहले मैं देख के ना थोड़ा घबरा गया था कि यार एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो सकता है यार गाड़ी के साथ, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मैं तो नॉर्मल ब्रेक और नॉर्मल चेकअप के लिए और टॉपअप के लिए आया था, बट ठीक है यहाँ पे आ गया तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। प्लस उन्होंने बोला कि इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, नॉर्मली ये सब होता रहता है, वेयर एंड टीयर का पार्ट है, और अभी जब सर्विसिंग होगी तो ये सारा चीज़ सही कर देंगे। Go Mechanic has got over 500 plus workshops जहाँ पे आप अपने periodic servicing, mechanical repair, denting painting, wheel care, car care, detailing, AC servicing, tire battery replacement plus car insurance में भी अगर आपकी गाड़ी जा रही है ना तो वो भी करवा सकते हो। प्लस 2 महीने और 1000 किलोमीटर की अनकंडीशनल वारंटी है, प्लस फ्री कार पिकअप एंड ड्रॉप भी है। ऑल यू नीड टू डू इज सेलेक्ट योर कार, सेलेक्ट योर सर्विस एंड बुक ए टाइम स्लॉट एंड यू कैन सेव अप टू 40% ऑन योर कार सर्विसिंग। गो मैकेनिक का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो चेक इट आउट। फिलहाल तो ग्रीन लाइट हो गई और अपन यहाँ से चलते आगे। एक मीटिंग तो हो गई थी और अब अपन जा रहे हैं सेंट्रल प्लाजा नहीं साउथ पॉइंट मॉल, वहाँ पे अपनी दूसरी मीटिंग है। तो ये मीटिंग्स क्यों हो रही है वो आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा, मतलब शायद जब मैं ट्रिप से आऊँ उसके बाद। इस मॉल की एंट्री किस साइड से है? यहाँ पे आए हुए भी ना बहुत दिन हो गया। ओपन टैप, ये बेसिकली साउथ पॉइंट मॉल है। हाँ ये मिल गई ना सामने, इधर मैं पीछे से खोजते हुए आ रहा था कि भाई एंट्री किस साइड है। नीचे लगाते हैं गाड़ी मस्त पार्किंग में। लिफ्ट लॉबी के सामने हमेशा जगह मिलना ना भाई साहब, समझो भगवान आपके साथ हैं, हाँ अदरवाइज हमेशा आपको ना ऐसा जगह मिलता है जहाँ पे लिफ्ट लॉबी काफ़ी दूर रहती है और फिर आप नोट करते रहते हो। बाकी थार और एक्सीवी दोनों बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। सो कॉफ़ी टेल्स, यहाँ पे अपनी मीटिंग है, कॉफ़ी को छोड़ के कावा पी रहे हैं। सो दिस इज़ कावा, सो दिस इज़ चिकन टिक्का, राइट? चिकन टिक्का एंड एप्पल पाई एंड फाइनली डन विद द मीटिंग। अब चलते हैं वापस पार्किंग, गाड़ी उठाते हैं और घर चलते हैं, थक गया यार। खाना खा रही है? ये अमेजोन से कुछ पैकेट मंगाए थे वो आ गया था, तो ये तो अब अगले व्लॉग में ही खोलेंगे। चलो करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म। थक गए यार सीरियसली, बहुत बुरी तरीके से थक गए। सुबह उठ के कैसे दिन निकला ना पता ही नहीं चला, बट या इट वाज अ गुड डे। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पे नहीं तो क्या करने का स्कूबी, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन पीस। ओए 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 लाल स्वेटर।